ટોક્યોમાં ચાલી રહેલા પેરાલિમ્પિકની ટેબલ ટેનિસ સ્પર્ધામાં ભાવિના પટેલે આજે ભારતને પ્રથમ ચંદ્રક અપાવ્યો. મહિલા સિંગલ ક્લાસ કેટેગરીમાં ચીનની ઝાઓ યિંગ સામે ફાઇનલ મેચમાં ચીની ખેલાડીનો વિજય થતાં ભાવિનાએ રજત ચંદ્રક મેળવવામાં સફળતા મળી. ભાવિના પટેલે ગઈકાલે સેમીફાઇનલમાં જીત મેળવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. भवीना के सिल्वर मेडल ने इतिहास रच दिया है और वो भी एक ऐसे दिन जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है. बहुत ही बेहतरीन दिन एक खिलाड़ी का मेडल जीत के अपने देश को तोहफा देना. एज प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि एक महिला खिलाड़ी ने मेडल का खाता खोला है और महिला खिलाड़ी भी ऐसी जो व्हीलचेयर यूजर है. उन्होंने अपनी स्किल से अपने गेम से अपनी कोचिंग को अपने गेम में उतार कर जो उन्होंने एक अच्छे खिलाड़ी होने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है. मुझे लगता है कि तमाम खिलाड़ियों को भवीना का गेम अब एक इंस्पिरेशन के तौर पे उसकी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए अपने हर मैच से पहले, ये देखने के लिए कि मेंटल प्रेशर को एक कंपटीशन में कैसे हैंडल किया जाता है.